हाय गाइस, तो आज हम गोट मिल्किंग करेंगे। इसके थनों को धोके और थोड़ी सी लग है। इस तरीके की मिल्किंग पहाड़ी इलाकों में की जाती है कि गोट के थनों पर कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल लगाया जाता है। तो आज मैं कोकोनट ऑयल लगाऊंगी। देख सकते हो बकरी के थनों मैंने साफ कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और इसके थनों पर ये मेरे पास थोड़ा सा कोकोनट ऑयल है, इसको लगाएंगे हाथों पे और फिर इसकी मिल्किंग की जाएगी, जिससे थन सॉफ्ट हो जाते हैं और मिल्किंग बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा ऑयल लगता है, 2-4 बूंद इस तरीके से, देखिए आप। और थन ख़राब भी नहीं होते हैं और मिल्किंग भी बहुत अच्छी होगी, आप देखना। मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है, देखिए आप।